أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هم قررن سيره النبوي और हमने अब तक उसके सिक्सटी सेवन पार्ट्स कर लिए हैं आज हम करेंगे सिक्सटी एट पार्ट और अभी हम कर रहे हैं गजवाए उहद आज हम इसका आखिरी हिस्सा करेंगे गजवा उहद कैसे एंड पर आई हाउ इट एंडेड वी आर गोइंग टू डू दैट ऑफ हाउ वी फिनिश लास्ट टाइम हमारा लास्ट टाइम ये था कि मैंने आपको लास्ट ये बताया था नबी सल्लम को बचाने के लिए कतादा जो थे वो आगे आगे थे और उनके एक तीर उनके मुंह पे लगा था जिससे उनका दांत जख्मी हुआ था और एक तीर उनके आँखों में चला गया था जिससे उनकी आँख ऑब्वियसली फट गई थी लेकिन सल्लम का ये मेरे कल सब ने देखा फील्ड में गजब अहद के फील्ड में सब ये देखा कि रसोस ने उसकी आँख को दुआ की और उसको आँख को हाथ लगाया और वो उनकी बीनाई वापस भी आ गई और टिल एंड बता दा कि वो आँख उनकी सबसे ज्यादा रोशन आँख थी क्योंकि रसूल रोल की यही दुआ थी कि अल्लाह उनको रोशन आँख देना और वो उनकी ये बीनाई सबसे बेहतरीन हो क्योंकि उन्होंने रसूल रोल को बचाने के लिए वो वो नेजा अपने आंख में खाया था ये थी हमारी लास्ट स्टोरी तो क्या हो रहा है इस वक्त इस वक्त ये हो रहा है कि रसूल सलाम को प्रोटेक्ट किया जा रहा है साहबा उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और मैंने आपको सारा कुछ बताया था आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द होल थिंग सब कुछ इट्स ऑल दे एंड इट्स ऑल ऑल्सो ऑन रिकॉर्ड सो आई विल गो फर्दर ताकि हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाएं अब <clears throat> मैंने आपको बताया कतादा भी जख्मी हो गए और उनकी आंख पे भी चोट लगी और उनके दांत में भी चोट लगी अब सात बिन अभी बकास रसोलम को शील कर रहे थे ठीक है वो उनके आगे आगे उनको शील कर रहे थे और इमेजिन करें के सात बिन वकी अभी बकास इज वन ऑफ द टू हु मैंने आपको क्या बताया था दो लोग थे एक सात बिन अभी बकास और एक तलहा साद और तलहा रदीसलम को शील कर रहे थे ये दो थे जो मेन थे जो उनको जब वो अकेले थे तो उस वक्त ये दो रह गए थे जो उनको शील कर रहे थे और सोचिए कि साध का अपना सगा भाई उतबा बिन अभी वक्स दूसरी तरफ था और वो रसुल्लाम का खून का प्यासा था और उसका एम सिर्फ रसुल्ला थे कुछ भी हो जाए वो रसूल रसूलम को डेफिनेटली वार करना चाहता था जहां उनका भाई साद बिन अबी बका अपनी जान देने को तैयार था रबी नबी को बचाने के लिए शील करने के लिए वहां उनका सगा भाई ऑन द टू किल रसुलट अबुत बिन अली अबी बक्कास ने क्या किया कि इसने पहले एक पत्थर मारा इतनी जोर का पत्थर मारा जिससे नबी नबीम का होंठ मुबारक जख्मी हो गया क्योंकि वो पत्थर उनके होंठ पे लगा मुंह पे लगा क्योंकि trying to aim at the face ना। उनके मुंह पे लगा और उनका उनका होंठ जख्मी हो गया फट गया ठीक है उसके बाद जब उसने देखा पत्थर उनके मुंह पर लग चुका है तो नाउ ही हैज द रीच उसने लिया अपना एरो और एरो को इस तरह मारा कि वो एरो जाकर उनके एक्चुअली uh, उनके आमर पे ऐसे लगा कि वो आमर उनके दांत के और उनके मुंह के अंदर घुस गया दिस वॉज ओतबा बिन अभी वक्कास हु इज द ब्रदर ऑफ साद बिन अभी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट नबी नबीसलम गिविंग हिज लाइफ स्टैंडिंग बिफोर हिम

अंदर तक उनका दांत जख्मी हो गया और उसमें उनको बहुत तकलीफ हो रही थी और खून बह रहा था। बहराव इट उतबा बिन अबी वक्स ब्रदर ऑफ साद बिन अबी बकाश इमेजिन करें आप ठीक है अच्छा अब जब ये हो गया तो अब्दुल्ला बिन शहाद जिसको अब्दुल्ला बिन कमिया भी कहते हैं ठीक है अब्दुल्ला बिन कमिया करीब आए और उन्होंने देखा कि मतलब मैं अब मेरी रीच है कि मैं नबी नबीसलम को मार सकता हूँ अब्दुल्ला बिन कमिया ने क्या किया उसने भी उठाकर स्वॉर्ड मारी दौर से मारी दूसरी तरफ जिससे वो स्वॉर्ड अंदर चली गई इस तरफ और नबी सल्लम का इस तरफ का भी वो अंदर खुप गया और यहां से भी उनका आमर उनको अंदर कर गया। अब आमर वो यूं पहनते थे लोहे का आमर होता था आपको पता है कि आपने पिक्चरों में या तस्वीरों में पुरानी वॉर की मूवीज में देखा होगा कि वो लोहे के किस तरह के आमर पहनते थे और इस तरह का आमर जब वो पहनते थे तो इट वॉज लाइक अ लोहे का हेलमेट सा होता था जिसकी यहाँ पे यू you नो know, वो एक एक टू कवर दिस एरिया होता था वो उनके अंदर खुब किया दोनों तरफ से एक तरफ एरो से बाय उत्बा बिन अभी वकास दूसरी तरफ विद स्वॉर्ड ऑफ अब्दुल्ला इब्न कमिया अब, अब अब्दुल्ला बिन कमिया का यहाँ और यहाँ दोनों से नबी सल्लम का चेहरे पर और मुंह के अंदर से खून बह रहा है ठीक है बिकॉज इट्स अ वेरी बैड वूंड हम सब जानते हैं अगर हमारी दाढ़ में दर्द ही हो सिर्फ दर्द हो जाए दांत की तकलीफ हो जाए में से कोई ऐसा नहीं जो कहेगा मुझे कभी भी दांत की तकलीफ नहीं हुई होती है टाइम टू टाइम एंड वी हैव एक्सपीरियंस्ड इंटेंस पेन एंड प्रॉब्लम क्योंकि पूरे जौ में दर्द होता है सर में दर्द हो जाता है पीपल एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स और कुछ नहीं कर पाते सिर्फ एक दांत की तकलीफ की वजह से यहाँ नबी साम के दोनों दांत चेहरा और उसमें लोहा खुपावा और मुंह से और गाल से खून भहरा ओके अब तलहा बहुत कोशिश की टू होल्ड द डिफेंस विथ हिस शील्ड बट ही कुड नॉट स्टिक्लीटली

उस हालत में रसूल रोल ने अपने अपसेट हालत में कह दिया कैसे अल्लाह माफ करेगा ऐसी कौम को जो अपने नबी को इस तरह से ट्रीट करती है इस तरह से जख्मी करती है ऑब्वियसली तो पत्थर से मुंह पे मारना और आप एरो से भी मुंह पे मार रहे हैं तलवार से भी मुंह पे मार रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ उम्मत युवा तो रसूल रोल के ने ये कह दिया कैसे अल्लाह इन्हें माफ करेगा अल्लाह इन्हें हरगिज माफ़ नहीं करेगा कैसे माफ करेगा ऐसी कौम को जो अपने नबी के साथ ये हाल करती है इस तरह उनको तकलीफ पहुंचाती है और इस तरह उन्हें मारती है अल्लाह डिड लाइक इट देखिए आप ये नबीसलम अल्लाह का चोजन बंदा है प्रोटेक्टेड बंदा है ठीक है आलमीन है नबियों का नबी है फिर भी

उसका मैं सिर्फ मफूम बताऊंगी क्योंकि वरना बहुत स्टोरी हमारी फिर इधर उधर हो जाती टेलिंग यू यू द मीनिंग बट उसका ये था कि हैव नो इन इट तुम्हारा इससे कोई इस बारे में दखल अमल नहीं है मैं किस को माफ करूं और किस को सजा दू ये मेरी मर्जी यू हैव नो बिजनेस इन दिस यू जस्ट डू वो बिन टोल्ड टू डू ठीक है और अल्लाह सुबहानोता कहता है इट्स नॉट योअर बिजनेस वेदर अल्लाह पनिशेज और फगेस अल्लाह देव डन मॉन यू ठीक है बट अल्लाह की मर्जी वो किसको माफ करता है और किसको पकड़ता है यू डोंट रज्यूम एंड यू डोंट से दैट कितनी बड़ी बात हम कितनी बार ऐसा देखते हैं कि लोगों ने बड़े बड़े जुल्म किए आपको भी पता है मुझको भी पता है कितने हमारे अतराफ है ऐसे लोग जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जालिमी है इन्होंने बड़ा जुल्म किया है देर आसबेंड हुआर वाइफ देर मदर इन लॉज इन लॉज

यू नो ऑफ़ कोर्स के जंग हारी भी नजर आई कि में हार गए मुसलमान ठीक है किसने काउंटर किसने अटैक किया था खालिद बिन वलीद ने एंड ही अटैक इट अ वेरी फेरोशियस अटैक इट रियली ब्रॉट मुस्लिम डाउन टू द ग्राउंड लेकिन अल्लाह ने उसको माफ कर दिया ना एंड दे बिकेम दिन इस्लाम यही आदमी जिसने गजबे ओहद में हराया था मुसलमानों को अल्लाह ने इसके ना ही सिर्फ माफ किया इसको एलिवेट किया इस्लाम में और सैफुल्लाह का दर्जा दे दिया डिसाइड so अल्लाह माफ करेगा किसको नहीं और ये किस्से हमें क्यों है बताने के लिए इट इज फॉर अस टू नो हाउ अल्लाह सुबहाना डील विद पीपल वी ऑन Regardless of what will happen to others, we have to worry about our own end. We should do the right thing. Sorry. um, um I cannot read uh, messages right now. So somebody is messaging me, but I have to finish my topic first. Okay. So, Al Imran, Allah subhanahu <clears> wa ta'ala, <throat> तोहीद रूबूबिया के हिसाब से बताता है कि अल्लाह पनिश एंड इसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं है और तुम अपना काम करो यू माइंड योर बिजनेस ठीक है एंड नो वन हैज कंट्रोल ओवर जजमेंट नो बडी शुड ट्राई टू बी द जज हिया व्हेन वी से ट्राई टू बी द जज हिया मींस इंडिविजुअली नॉट एज कोर्ट जजमेंट दैट्स अगेन ऑथोराइज ना वो अथॉरिटी है हाकिम है हुक्मरान डिसाइड करता है कौन जज बनेगा कौन कादी बनेगा उसकी जजमेंट होगी उसके हिसाब से बुलावला ओके ब्ला. Okay. मगर या हम ये कह रहे हैं आई हैव नो राइट टू जज यू हैव नो राइट टू जज मी वी डोंट है थर्ड पर्सन दिस पर्सन दैट पर्सन कि इसने ऐसे किया है इसके साथ ऐसा होगा या इसके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसने ऐसे किया है वी हैव नो राइट टू जज एनी ये अल्लाह सुबहाना कहता है सूरह सूर्य इमरान में और अगर हम ये समझ जाए ठीक है कि हमारा हम शिरक से दूर है वरना हम शिरक कर रहे हैं तो ये बहुत नाजुक मामला है वी हैव टू अंडरस्टैंड ठीक है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक इंसान थे ह्यूमन बीइंग थे it was very upsetting he was bleeding from his mouth from his cheeks and in pain with two things stuck into his gums and and had lodged his molars he'd broken his molars but it was like still at the edge and it was still stuck in a very bad way and he was bleeding of course he was अपसेट इन एन पेन एंड सो ही सेट समर दिस केम जब ये आयत का नजूल हुआ तो रसूल ने दुआ की अल्लाह सुबहान माफी की और अल्लाह से माफी मांगी अपने उम्मत के लिए कि अल्लाह इन्हें माफ कर देना जो कुछ इन्होंने मेरे साथ किया इन्हें तू माफ कर देना

एक सवाल आएगा ठीक है कि अल्लाह सुबहाना तला अब आप देख रहे रसूल किस हालत में है तकलीफ में गर्ट में अपसेट है हार गए और जख्मी है बुरी तरह से हर तरफ से खून बह रहा है ठीक है अब आप ये सोच रहे होंगे क्यों अल्लाह सुबहाना ताला बचा नहीं सकता था नबीसलम को उन पत्थर से उस तीर से उस तलवार से जो उनको लगकर इतनी तकलीफ दी और इतनी परेशानी हुई और इतना दर्द हुआ और इतना खून बहा तो अल्लाह उनको नहीं बचा रहा था इसके लिए मैं आपको सुनाती हूँ साद बिन अभी वकास की जो रिवायत है बुखारी में नकल है उसमें साद बिन अभी वकास बताते हैं कि जिस वक्त गजब उहद में हम प्रोटेक्ट कर रहे थे रसोलम को लेकिन जब मैं और तलहा आगे आ, यू नो वार कर रहे थे एक एक ऑफ कोर्स दोनों तीर फेंक रहे थे और नबी वसल्लम को उठा उठा के तीर दे रहे थे उस वक्त साद बिन अभी बकास बताते हैं कि मैंने देखा दो सोल्जर्स सफेद कपड़ों में थे और वो रसोलम को गार्ड कर रहे थे उनको शील्ड कर रहे थे उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे और कहते हैं कि मैंने वो दो सोल्जर्स ना गजबे अहद से पहले कभी देखे ना गजबे ओहद के बाद कभी देखे ना उनकी कहीं जख्मी लाश देखी वो कौन थे नहीं पता पर वो दो पूरा टाइम नबी नबीम को प्रोटेक्ट कर रहे थे लेकिन मैंने उनको जंग के पहले या जंग के बाद नहीं देखा तो ये दो थे फरिश्ते जो अल्लाह सुबहान तला ने नाजिल किए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोटेक्शन के लिए उनकी हिफाजत के लिए फिर भी उनको जहां जख्म लगा जैसा लगा क्यों लगा कैसे लगा ये अल्लाह की मर्जी से था और अल्लाह ही इसका विजडम जानता है इसकी हिकमत जानता है हम नहीं जानते ठीक है तो, तो कदर अल्लाह ये अल्लाह सुबहाना तला की कदर थी जिसे होना था सो हुई जब मुसाब बिन उमेर वो स्किल्ड ओके okay, जब मुसाब बिन उमर को मारा गया और आपको मैंने बताया वो किस तरह मारा गया था था लास्ट वीक वो वो आपको मैंने बता दिया था कि फ्लैग बैर थे अलम थे और उन्होंने वो झंडा वो अलम उठाया हुआ था और जब उनको उनका वो हाथ काटा तो उन्होंने दूसरे हाथ में पकड़ा जब दूसरा हाथ काटा तो उन्होंने अपने दोनों बाजू के स्टम्प से पकड़ा फिर जब उसको काटा तो वो उसको मुंह से पकड़ना चाहे थे लेकिन उसके टुकड़े टुकड़े तु कर दिए मुसाब बिन उमर के बट मुसाब बिन उमेर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्लोक पहना हुआ था तो जिसने मुसाब बिन उमेर को मारा वो उसने ऑफ ऑफकोर्स यू नो देर आर्मर से सब ढके हुए थे ये लोग तो ही थॉट ही स्किल्ड रसूल सल्लम तो उसने जोर से आवाज लगाई और पुकार के सारी फौज को अपनी फौज को कुरैश की फौज को कहा कतल तू मोहम्मद कतल मोहम्मद मैंने मोहम्मद का कत्ल कर दिया मैंने मोहम्मद का कत्ल कर दिया जैसे उसने ये कुरैश खुश हो गए एंड दे ऑब्वियसली कूल्ड ऑफ इनका नबी मर गया जिसको हम मारना चाहते थे वो ही मर गया आदमी तो इनके तो हाथ पैर कट गए दे आर डन बिकॉज वेन यू यू नो किल कमांडर हाफ योर वन तो ऑब्वियसली इन अ वे इट वॉज एडवांटेजियस ये एक फायदेमंद बात थी मुसलमानों के लिए इसलिए कि जैसे ये बात उसने जोर से बोलना शुरू करी और ऐलान करना शुरू किया तो एक तो ये कुरैश की फौज थोड़ी ठंडी हो गई कि अब ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि हम जीत चुके हमने उनके लीडर को ही मार दिया और मुसलमानों के लिए इट वॉज एडवांटेजेस के एटलीस्ट वर नॉट अंडर नाउ अ मेजर अटैक एनी मोर क्योंकि उन्होंने सोचा कमांडर मर गया अब ये वैसे ही चले जाएंगे और बात खत्म हो जाएगी तो जरा वॉर थोड़ी सी थम गई और थोड़ा खतरा टल गया अब मैं आपको इधर एक किस्सा सुनाऊंगी ऑफ अनस बिन नजर अनस बिन नजर इस जब खालिद बिन वली लड़ाई कर रहे हैं और ये सब हो रहा है और कत्ल तो मोहम्मद भी हो चुका ऐलान तो बहुत सारे साहबा जो थे वो तलवार छोड़कर बैठ कर हारे हुए शकल उतार के अब क्या करें लड़का क्या फायदा हम तो हार चुके कुरेश तो अब चले जाएंगे लेकिन हम अब अपना हारा मुंह लेके घर जाएंगे एंड वी लॉस्ट आ वी लॉस्ट आर तो अब ये थक हार कर बेचारे बैठे हैं तलवारें छोड़कर अनस बिन नजर इनके पास से गुजरे इन सहाबा के पास से और उनको देख के पूछा ये इस तरह मुंह लटका के क्यों बैठे हो तलवारें छोड़कर ऐसा क्यों है तो उन्होंने कहा ए अनस बिन नजर तुम्हें पता नहीं के अब वो बता रहे हैं कि क्या हुआ है कहते हैं तुम्हें पता नहीं कि वसल्लम को तो मार दिया गया और हम तो बैटल हार चुके हैं तो अनस बिन नजर ने उन सहाबा से कहा हाँ अगर तुम हार चुके हो और मोहम्मद भी खत्म हो चुका है तो क्या तुम उसके बगैर यानी अब मोहम्मद नहीं रहा अब यज्यूम कर रहे हैं कि वो तो गुजर चुके तो तुम अब उनके बगैर क्या जिंदगी जीने वाले हो क्या बताओगे घर जाके हम हार के बस लौट के आ गए उठो जो बची कुछ ही जिंदगी है जो कुछ लड़ सकते हो लड़ लो फिनिश करो किस्से को तुम किस लिए आए थे? थे ना तो दुश्मनों का खात्मा करो मोहम्मद चला गया अब उसके बगैर क्या जीवन है तुम्हारा कि तुम घर जाके बहुत बड़ा जिंदगी गुजारोगे कि किस हाल से यू आर लूजर्स नाउ कम ऑन लेट्स गो एंड फाइट इट आउट वट एवर इज लेफ्ट ऑफ अस लेट एस गिव बेस्ट सो दे बैक टू फाइट और Uh, बताया जाता है कि ऑफ़ कोर्स दे बैक फाइट एंड अनस बिन नजर ने अपनी रियली सर से पैर तक की बाजी लगा के लड़ाया लड़ाई की ठीक है आखिर में अहत के आखिर में जब जायजा लिया जा रहा था लाशों का तो एक लाश ऐसी मिली जिस पर अस्सी वूस थे एट्ठी ठीक है एट जीरो एटी वूं जख्म थे कि उसकी बॉडी पहचानना मुश्किल था ना चेहरा बचा था ना जिसम बचा था अब आप सोचे किसी ने एक बार आपको काट पीट दिया हो, क्या बचेगा? क्या नजर आएगा कि कौन था आदमी के उनकी पहचान नहीं हो पाई कि किसकी इलाज है जब तक के अनस बिन नजर की बहन जब चक्कर लगा रही थी उसने उनकी उंगलियां देखकर कहा ये मेरा भाई है अनस बिन नजर तब साहबा ने बताया हाँ ये गया था और इसने कहा था कि मैं जो बचा कुचा है सब कुछ मैं लगा दूंगा दाव पर और पूरा पूरा लड़ूंगा क्या हुआ अगर मोहम्मद चले गए तो उसके बाद क्या जिंदगी हम घर जाके क्या बोलेंगे कि हम वो गुजर गए और हम वापस आ गए नहीं हम भी लड़ लें जितना लड़ सकते हैं जितनों को मार सकते हैं मार लें एंड ही वेंट इन द बैटल एंड ही फॉट फेरोशियसली एंड ही वॉज किल्ड बैडली एंड ही वॉज रिकग्नाइज बाई हिज सिस्टर हु चुके हैं, और के दिल में एक उम्मीद अभी भी थी कि हो सकता है कि वो पूरी तरह शहीद नहीं हुए हैं शायद वो बच गए हों शायद वो जिंदा हों एक होता है ना जब आप किसी को बहुत प्यार करते हैं तो वैसे भी जब डेथ की खबर आती है तो आपका दिल चाहता है कि खबर गलत हो अल्लाह करे गलत खबर हो अल्लाह करे कोई मुआवजा हो जाए अल्लाह करे कि ऐसा ना हो और बंदा बच गया हो ऐसे ही सहाबा के इस वक्त दिल जिगर की हालत थी कि कुछ ऐसा बस हो जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ना हुआ हो और वो बच गए हो अब ये सोच कर यू नो काब इबिन मालिक ने दूर से नबीसलम को पहचान लिया पहाड़ी पे देख लिया और दूर से पहचान के का बस, बस ना चलता कि वो जाके ढंडोरा ही पीट देता उसने चीख चीख कर बोलना शुरू कर दिया नबीम जिंदा है नबीम जिंदा है वो वो रहे हैं नबीसलम जिंदा है उन्हें कुछ नहीं हुआ है और नबीसलम इशारा कर रहे हैं कि मत बोलो मत बोलो मत बोलो क्योंकि वो इस वक्त इतनी जख्मी हालत में है, अगर किसी को पता चल गया वो जिंदा है वो फिर आ गए और कुछ हुआ तो ही डेंट वॉन्ट ही वॉन्टेड अ लो प्रोफाइल ही डेंट वॉन्ट एनी वन टू नो ही इज सर्वाइव बिकॉज ये सही टाइम नहीं है इस वक्त बताने का सो ही वॉन्टेड टू क्वाइट इन हिम डाउन बट काब बिन मालिक को कौन रोकता वो बोले जा रहे थे जोर जोर से बोले जा रहे थे और उनकी आवाज सुनकर सारे मुसलमान इस तरफ पलटे और वो आना शुरू हो गए कि हमारे नबी जिंदा हैं और सहाबा में जब वो जाहिर जमा होने लगे आवाज सुनकर उनकी तो सहाबा में बकर कहाुबैर इब्लम कौन थे? अस्मा बिन अभी बकर के थे और सफिया रदियालाम की जो फुप्पी थी उनके बेटे थे तो इज अजा भाई ऑफ नबीम ठीक है जुबैर इब्न और जुबैर इब्नलावाम को नबी सल्लम के हवारी का लकब दिया गया था हेल्पर ऑफ नबी सल्लम ही वाज़ हवारी ऑफ नबी सल्लम और <coughs> नबी सल्लम मैं ऐसे थोड़ा सा ऑफ उस द तो उसमें जा रही हूँ बिकॉज आई वांट यू टू रिमेम्बर दीज थिंग्स क्योंकि हम लेटर ऑन हम सहाबा पे आएंगे तो आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स होंगी पता तो याद रहेगा जुबैर इब्न अल और असमा बिन अबी बकर जब माइग्रेट कर रहे थे टू मदीना और जब ये कुबा के मकाम पर पहुंचे थे तो इनको बेटा पैदा हुआ था मुस्लिम बनाने के बाद नबी नबीम के मदीने को टेक ओवर करने के बाद इस्लाम लाने के बाद इस्टेब्लिश करने के बाद दिस वॉज द फर्स्ट मुस्लिम चाइल्ड टू बी बोर्न इन मदीना दो इट वॉज इन दूट ऑफ इट वॉज एट पॉइंट ऑफ कुबा क्योंकि उनको पेन शुरू हो गया था असमा बिन अबी बकर को जब तक मदीने पहुंचने तक का टाइम नहीं था तो कुबा में शी डिलेवर्ड अब्दुल्ला बेटा जुबैर एंड ही वॉज ऑलवेज नोन एज द द्लैड टाइडिंग द खुशखबरी फॉर द मुस्लिम उम्मा के पहला मुस्लिम बच्चा मुस्लिम मुम्लिकत में पहला बच्चा पैदा हुआ है जो मुसलमान बच्चा मुसलमान मुल्क में पैदा हुआ है

या ये स्टोन हम पहन लेंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं है फिरोजा मुझे नहीं चलता हाँ, डायमंड में जो सूट नहीं करता ये सब बातें करना ये सब गलत और हाम है ये शिरक है लेकिन ये कहना कि अब्दुल्ला बिन जुबैर इज अ खुश खबरी इट्स अ गुड ओमन क्या आज ये बेटा पैदा हुआ है इस कपल को फ्रॉम द मुस्लिम मुमलिकत इट्स अ गुड न्यूज सो वी विल पॉपुलेशन इट विल

ख्वाहिश दिलों दिल में ये थी कि अल्लाह करे ये जो प्रोटेक्टर है ये तलहा हो मेरे दिलों दिल में ये ख्वाहिश थी कि ये तलहा हो जो इन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है एंड इट आउट टू बी तलहा और फिर नबी को मिलने के लिए जब उनकी खबर सुनी कि नबी सल्लम जिंदा हैं और अबू बकर चढ़ रहे पहाड़ी पर यू नो नबी नबीम जिंदा हैं काब ने आवाज लगाई तो नबी वसल्लम जिंदा है अबू बकर जैसे मैंने आपको भी अभी बताया कि उमर हो और जुबैर अब, अब, हैं पहाड़ी पर इतने में डैश आउट करके एक आदमी जा रहा है माउंटेन क्लाइंबिंग अप द माउंटेन पथरीली सब लोग चढ़ रहे हैं कोर्स एक्साइटमेंट में लेकिन ये एक डैश आउट करके एक बंदा ऊपर जा रहा है विद एक्साइटमेंट जुबैदा इब्न अल अल्जर्राह भागा भागा गया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसको बस ना चले कि चूम ले क्या कर ले पागल हो गया खुशी से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं जब वो वहां पहुंचा तब तक, तक अबू बकर उमर और जुबैर इब्न अल इब्नलावाम रदीमा भी पहुंच गए अब पहुंचने के बाद अबू बकर रदी ने कहा देखा उनकी कैफियत रसूल रसूलम की उन्होंने कहा यार रसोस मुझे इजाजत दीजिए इसको मैं निकालूंगा and obviously you can't take it out with your hand, it's not possible. एक लोहे का पूरा पूरा आर्मर आपके मुंह में चिपका हुआ अंदर कर गया, है, घुस गया है, गया है आप उसको हाथ से तो निकाल ही नहीं सकते ना इट्स नॉट पॉसिबल तो उन्होंने फिर भी कहा बहुत जिद की कि मैं करूँगा लेकिन उबैदा इबन जर्रा रोने ही बैठ गया इंसिस्ट कर करके कि इसका आप प्लीज इजाजत मुझे दे दें ये मुझे करने दें प्लीज ये काम मुझे करने दें रसूल रसोस ने फाइनली सरेंडर किया उसको और कहा ठीक है तुम करो तो उसने अपने दांत से खेच यू नो आपको पता है कोई चीजें जो हमारे हाथ से नहीं हम खोल पाते पर अपने दांत यूज करते हैं क्योंकि दे आर दे आर लाइक बोन्स दे आर लाइक यू नो हार्ड एंड दे कैन डू थिंग्स तो उसने अपने दांत से खींच के निकाला और जब उसने खींच के निकाला तो उसका अपना दांत टूट गया It was that hard and that difficult that he lost his tooth and his mouth started bleeding and Rasulullah Sallallahu started bleeding more क्योंकि आपको पता है आपने कोई चीज अंदर घुसी भी उसको निकाली है लोहे की तो he is going to bleed more and then with that blood in his mouth he wiped clean quickly and he threw his tooth and he came on the other side and he said <coughs> मुझे दूसरी तरफ पे मुझे निकालने दे Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ने फरमाया फिर उस वक्त Abu Bakr Siddiq ने फिर कहा कि मुझे करने दो तुम एक कर चुके हो एक तरफ का दूसरी तरफ का मुझे करने दो उसने कहा नहीं 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 दूसरी तरफ का भी मैं देखिए मैं ऑलरेडी जख्मी हो चुका हूँ you know, मेरी जान आप पर कुर्बान मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान और वो आ गया दूसरी तरफ और उसने फिर इसी तरह दांत से खेच कर निकाला उसके सारे दांत इधर के भी उसने निकाल तो दिया पर उसके और दांत भी टूट गए सुभान अल्लाह एंड सुभान अल्लाह इट्स इट्स सो यू नो टचिंग टू हियर दीस स्टोरीज एनीवे एरो भी निकल गया और उनका वो भी निकल गया एंड नाउ रसूल अल्लाह सल्लम इज ब्लीडिंग मोर फ्रॉम बोथ साइड्स क्योंकि आप ये सोचें द पेन एक तो पेन वो होता है ना कि आपके अंदर कोई छुरा या कोई ऐसी चीज घुस जाए वो एक पेन होता है और उसको निकालना और पेनफुल होता है दैट्स वाई दे ऑलवेज टेक केयर कोई चीज घुसी हुई निकालना है तो दैट विल बी मच मोर पेनफुल बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू ब्रिंग इट आउट विच इज गोइंग टू बी मच मच मोर पेनफुल ही थ्रू इट ऑन बोथ साइड ऑफ फेस अच्छा आई कम बैक टू वॉट है कि ही वॉज ब्लीडिंग

और कौन है वो उबे इबिन खलफ कौन है उबे इबिन खलफ याद करें उबे इबिन खलफ सबसे ज्यादा जलील ख़बीस, मशरक था सबसे ज्यादा फिलती बुरा आदमी गंदा आदमी जो भी मैं बोलूँ कम है क्योंकि ये वो आदमी है जिसने नबी वसल्लम के ऊपर गोबर और गंद फेंका था उनके सर पर मरे हुए मुर्दार का कारकस, उसकी जो खाल है गंदी बदबूदार मरे हुए जानवर की वो नबी के ऊपर फेंकी थी ये वो उबै बिन खलफ है इतना गंदा आदमी था और इसकी जुबान इतनी गंदी थी कि वो नबी सल्लम को हमेशा मौक करता रहता ताने देना और उनको इतनी बुरी बुरी बातें कहना बहुत बुरा आदमी था नबीसलम का तो खसूसी किस्म का वो दुश्मन था और बहुत बुरी तरह से नबीसम को मौक करता था और इसने क्या कहा था एक बार नबी सल्लम से एक बार नबी सल्लम को इसने देखा तो रुक गया और कहने लगा एक दिन न तुम मेरे ही हाथ से मारे जाओगे एक दिन मैं तुम्हें मारूंगा एक्चुअली इस तरह एक कुरेश को दूसरे कुरेश को कहने से इट इज नॉट पॉसिबल कि एक कुरेश दूसरे कुरेश को ये कहे कि मैं तुम्हें कत्ल करूंगा क्योंकि एक ट्राइब था एक ही ट्राइब में रहकर आप उस ट्राइब वाले को मार नहीं सकते ना धमकी दे सकते तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस अलोन वो समथिंग के वो इस तरह से यू नो बात कर रहा है अपने ही कबीले वाले से और उसको कह रहा है और वो भी देखें सरदार की फैमिली से है वो और उसको कह रहा है कि एक दिन तुमको मैं अपने हाथ से आई विल खिल यू और फिर ये कहकर आगे सलम को और बोलता है क्या कहता है वो सुनिए कहते तो हमें पता है मेरे पास एक घोड़ा है बहुत स्पेशल घोड़ा है वो और उस स्पेशल घोड़े को मैं बहुत स्पेशल चारा खिलाता हूँ एकदम स्पेशल चारा और ऐसा चारा खिलाता हूं और उसको इतना एहतियात से रखता हूं और उसका इतना संभाल कर रहा हूं उसको ऐसे पाल रहा हूं और ऐसे पाल रहा हूं ताकि वो अच्छा मोटा तगड़ा तंदुरुस्त हो जाए और स्ट्रांग हो जाए और फिर मैं उस घोड़े पर बैठ कर आऊंगा और अपनी तलवार से तुम्हें मारूं और उससे उसके पैरों में तुम्हें कुचलूंगा तुम देखो मैं तुम्हें कैसे मारूं ऐसी बातें करता था ये बिन खलफ अब क्या हो रहा है सीन देखिए क्या है सुभान अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी मुशरिक को जिसने कहा हम तुम्हें यू you नो know, जो भी करते थे उनके पीछे पीछे करते थे मुंह पे तो कभी किसी को ने नहीं आके इतनी बहादुरी से कहा जिस तरह इस इस खबीस ने जाकर नबी नबीरम से मुंह पे कहा कि मैं तुझे किस तरह मारूंगा इमेजिन इन देंजन हार्ट और दी कि किस तरह बोल रहा है कि मैं ऐसे मोटे घोड़े पे आऊंगा ऐसे तो मैं कुछ लूंगा ऐसे तो मैं मारूंगा स्वर्ड लेकर आऊंगा फला फना उस वक्त नबी नबीसलम ने पहली बार उसको जवाब दिया था नबी सर सर ने कभी इससे पहले और कभी इसके बाद किसी मुशर को कभी ऐसा जवाब नहीं दिया कभी भी नहीं इस मुशर को इस इस सिचुएशन में जब उसने इस तरह इस तरह कहा तो नबी सर सर ने फरमाया उसको देखकर तुमको तो कत्ल मैं करूंगा इसी तरह जिस तरह तुमने बताया है ना मगर तुमको कत्ल मैं करूंगा तुम मेरे हाथ से कत्ल किए अब नबी वसल्लम ने तो कभी ऐसा किसी के मुंह पे नहीं कहा था लेकिन इसको कहा अब गजवाद में क्या हो रहा है ये बात तो एक पहले हुई थी मक्के में वो मैं आपको बता रही हूँ ठीक है थीके? अब यहाँ क्या हो रहा है कि अम्म उबे अपने घोड़े पर आ रहा है उसके हाथ में वही घोड़ा है उस उसके पास जिसका उसने जिक्र किया था और उसके हाथ में एक बड़ा सा तलवार है अब ये आ रहा है और नबी सल्लम ने उसको देख लिया और उसने नबी सल्लम को देख लिया अब नबी इज़ का पोजीशन। ही इज ऑन द ग्राउंड एंड दिस ऑन द वो बह घोड़े पर सवार है और नबी सल्लम जमीन पर है खड़े हुए और आपको पता है नबी सल्लम के पास इस वक्त कुछ भी यू you नो know, चीज नहीं है लड़ाई करने के लिए ठीक है और जैसे ही उबे बिन खलफ नबी सलम को देखता है वो तो समझता है दिस इज माई चांस आई टोल्ड हिम आई एम गोइंग टू किल हिम इज टाइम आई एम गोइंग टू किल हिम और वो अपने घोड़े को दौड़ाना शुरू करता है कमिंग स्ट्रेट नबी सलम जैसे ही सहाबा ये फील करते हैं कि ये नबी सलम की तरफ आ रहा है दौड़ा दौड़ा यू नो घोड़े को दौड़ा था वो सारे आके नबी नबीसलम के सामने उनको प्रोटेक्शन में खड़े हो जाते हैं नबी नबीम उन सबको हटा के कहते हैं छोड़ दो दिस इज माइंड ये मेरा है इसको मैं टैकल करूंगा तुम लोग हट जाओ इन सबको हटा के और फिर नबी नबीसलम देखते हैं उसको कि वो आ रहा है नबी नबीसम के पास एक सहाबी खड़े थे साबित इब इबिन अमर साबित इबिन आमिर का नबी लेते हैं ने, नेजा ठीक है उसका नेजा नबी सल्लम खींच के लेते हैं उससे और उन लोगों को कहते हैं तुम लोग हट जाओ और जब ये आता है आता है आता है सल्लम के करीब आता है तो नबी सल्लम वो नेजा इतनी जोर से एम करके मारते हैं उसने तो आमर पहना हुआ है वो घोड़े के ऊपर है तो ही इज ऑल प्रोटेक्टेड तो इन इज वेरी कॉन्फिडेंट

अंदर तक नहीं गया वो नेजा उ, उसे यहाँ लगा और वो गिर गया घोड़े से और जैसे ही वो गिर गया उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया कि मोहम्मद ने मेरा कत्ल कर दिया मोहम्मद ने मेरा कत्ल कर दिया बोल रहा है ही इज अलाइव एंड ही इज गोइंग ऑन सेइंग मोहम्मद ने मेरा कत्ल कर दिया तो अबू सुफियान ऑर्डर्ड एवरीबॉडी टू गो एंड ब्रिंग उबै आउट फ्रॉम देयर उबै बिन खलफ वाज ड्रैग इनटू द कैंप ऑफ मुशरिकीन उसको टेंट में लाया गया उसका आमर वगैरह खोला गया और उन्होंने कहा क्या बात करते हो एक स्क्रैच है सिर्फ जरा सा तुम्हें लगा है इट्स नॉट अ बिग डील हो जाएगा तो जो भी उनके तबीब या मेडिक्स थे जो उनके कैंप में थे जो उनकी मरम पट्टी और जो उनके सोल्जर्स को देख रहे थे अबू सफियन टोल देम लुक आफ्टर हिम गिव हिम वट एवर ट्रीटमेंट कैन बी डन बिकॉज ये तो बहुत माइनर कट है इट्स नॉट अ बिग डील कि मर जाएगा या इसको कत्ल कर दिया खामाई शोर मचा रहा इस पैनिक लेकिन वो पैनिक करता रहा और उसने कहा वल्लाही अगर ये मोहम्मद आज मुझ पर थूक भी देता तो मैं उसकी थूक से भी मर जाता मैं इसके नेजे से नहीं बचूंगा मैं इसके नेजे से नहीं बचूंगा और ये वो कहता रहा कहता रहा कहता रहा और उसको वो लोग ट्रीटमेंट करते रहे करते रहे फाइनली दे सेड लेट हिम बी टेकन बैक टू मक्का टू हिज होम तो उसको रवाना कर दिया क्योंकि यू नो जख्मी हो गया ही इज ऑफ नो यूज इन द वॉर तो लेट फ्यू पीपल टेक हिम बैक लेकिन वो मक्के के बाहर सारिफ के मकाम पर जब पहुंचा था जहां पे सिटी ऑफ रागिब है जब वो सारिफ के मकाम पर पहुंचा तो ही पास अवे ही डिड डाई फ्रॉम दैट लिटिल वुंड बिकॉज़ ही रिमेम्बर्ड हाउ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पोंडेड एंड सेड कि जब तुम मुझे इस तरह मारोगे उस वक्त मैं तुम्हें मारूंगा तुम मुझे नहीं मार सकोगे एंड ही रिमेंबर्ड दैट एंड दैट पैनिक यू नो हिम एंड ही ऑफ कोर्स पास्ट अवे बिफोर इवन रीचिंग मक्का सो ही आउटसाइड मक्का और अबू सुफियान ऑर्डर ये जो साफ का मकाम है जहाँ इसको दफनाया गया था वहां पे एक सिटी है जो आज भी है जिसे सिटी ऑफ रागिब कहते हैं वहां एक रागिब शहर है छोटा सा इट टू बी अ स्मॉल टाउन नाउ इट्स सिटी सिटी ऑफ मेनी मेनी इयर्स लेटर अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ आपको अवे फ्रॉम द मेनी मेनी इयर्स लेटर कई सालों के बाद जब उमर रदियाँ का गुजर हुआ था कभी किसी एक्सपेडिशन में या किसी सफर में जब वो गुजर कर रहे थे और जब वो रागिब के मकाम पर पहुंचे तो उन्होंने दूर दूर कहीं पे देखा कि आग लगी है कहीं उन्होंने पता किया कि कहा आग लगी है, ला रहा है आग, आग में कि मुझे बचाओ बचाओ और क्या कह रहा है पता है? बचाओ भी नहीं कह रहा है प्यास 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 प्यासा हूं भी नहीं कह रहा मुझे प्यास लगी है भी नहीं कह रहा सिर्फ कह रहा है प्यास और चिल्लाए जा रहा है और चिल्ला के भागने की कोशिश कर रहा है लेकिन आग पकड़ रही है आग लगी हुई तो जब उमर रदी करीब आकर देखना चाह रहे थे कि किस कि, किसको आग लगी कि, किस किसी को बचा सके, because he doesn't know what's going on, तो फरिश्तों ने आवाज दे के कहा कि इसको कोई कुछ नहीं देगा इसको कोई पानी नहीं देगा इसको कोई बचाएगा नहीं किल्ड बाय द प्रॉफिट एंड ही विल बर्न लाइक दिस फॉर तो ये आपको बताना चाहती हूँ इस हदीस से और दूसरी भी एक हदीस है जिससे साबित होता है कि अगर कोई नबी किसी का कत्ल कर दे तो अल्लाह का गुस्सा उस शख्स पर इंटेंसिफाइड हो जाता है बहुत शदीद हो जाता है अल्लाह का गुस्सा और नाराज़गी उस शख्स से बहुत शदीद है जिसको एक नबी ने मारा हो क्योंकि अल्लाह मेड हिम किल दैट पर्सन बिकॉज ऑफ हिसीद एंगर ऑन दैट पर्सन सो दैट इज उबई बिन इतनी बुरी मौत भी मरा और उसकी सजा देखें इतने सालों के बाद उमर रदी को दिखाई भी दी और फिर ये हदीस भी है कि अल्लाह सुबहान तला का गुस्सा बहुत शदीद है उस शख्स पर जिसको एक रसूल ने कत्ल किया अब आई कम बैक कहाँ छोड़ी थी हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने जख्मी छोड़ा था हम स्टोरी वहां से वापस से कनेक्ट करते नबी सलम बहुत सख्त जख्मी है खून बह रहा है अब नबी सल्लम दो तीन घंटे गुजर चुके हैं अब उनको उनके घर लाया गया आप सोचें कब उनको नेजा लगा और कब उनको पत्थर लगा कब उनको वो उनके लॉज हो गया सब हुआ फिर वो निकला फिर और खून बहता रहा जब तक वो घर आए दो तीन घंटे गुजर चुके हैं और दो तीन घंटों से खून बह रहा है और रुक नहीं रहा तो वो आते हैं जब घर तो फातिमा यू नो हाउ शी शी अबाउट हर फादर कम्स इन यू नो डिस्ट्रेस कंडीशन शी ट्राइज टू वाइप हिम उसको धोने की कोशिश कर रही है तो अली पानी डाल रहे हैं और उनके खून को धोया जा रहा है उनके जख्म को धोया जा रहा है अली पानी डालते जा रहे हैं और फातिमा उसको साफ करती जा रही है लेकिन खून नहीं रुक रहा कितना पानी डाल रहे हैं अली रदिया उतना खून बह रहा है और खून रुक ही नहीं रहा फाइनली फातिमा रदिया ने कहा रुको मैं कुछ और करती हूँ और उन्होंने लिए पत्ते डेट पाम ट्री के पत्ते लिए उनको जलाया जला के उनकी राख पर पानी डाला और उस पानी और राख का पेस्ट बनाया और वो पेस्ट बनाकर उनके ज़ख्मों को फिल किया तब जाकर वो खून रुका उस जमाने में शायद इस तरह ही दे यूज टू डू देर दिस वॉज देर एंटीबायोटिकप्टिक एंड द्रीटमेंट ऑफ स्टिचिंग दून एंड सो इट गोड फील्ड एंड इट स्टॉप मैं जब uh, uh, मैं जब ये हदीस पढ़ रही थी कि किस तरह ये बुखारी की हदीस से बायद अवे और जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे याद आया और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि हो सकता है आप लोगों को ताजुब हो कैसे भी जख्म बंद होते हैं लेकिन इसका मैं मेरा, मेरा अपना तजर्बा मैं आपको बताऊंगी कि मैं एक बार गिर गई थी आई थिंक आई स्लिप फ्रॉम स्लाइड मैं बहुत शरारती थी और बहुत गिरती पड़ती थी और अफकोर्स मैं ज्यादातर अपने नाना नानी के पास रहती थी

बच्चों की हरकतें करती थी तो जब मेरे घुटने पे चोट लगी थी तो उसमें होल हो गया था वेरी हार्ड कोई लकड़ी का टुकड़ा था या पत्थर था वो अंदर तक उसने मुझे जैसे होल करा दिया था और खून रुकता नहीं था नस थी मेरे घुटने के पास जो जो रुक रही नहीं थी किसी तरह नहीं रुक पा रही थी खून बस बहता जा रहा था तो आई रिमेम्बर दैट नानी डिप द कॉटन

Stick to any such whole, you know, big cuts. Usko seal karne ka, this is the best way. So, subhanallah, uh, it was followed maybe much later until, you know, my uh, grandparents' time and it was being done. Okay. So, this was about how finally Nabi was treated and his bleeding stopped. Now, Ghazwe Ahud mein, दे व विमेन ऑफ द अनसार हो वेल्पिंग द वेड एक बात बता दूँ कि खातन को जंग के एक्सपिडिशन्स में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं थी ना उन्होंने कभी uh, मुसलमान औरतों ने जंग में हिस्सा लिया इस तरह से लड़ने में हिस्सा लिया दे व नॉट अलाउड टू गेट इन टू फाइटिंग मोड द पीपल इट वॉज नॉट दैप बट अभी ये टाइम एमरजेंसी टाइम इट्स लाइक एमरजेंसी डिक्लेय और रीजंस थी कि ये औरतें अंसार की आई दे लिटरली लिफ्टेड लिटरलीफ्टिड स्कर्ट्स टू टाइट अप ताकि वो पैर में लफड़ लफड़ ना करें लिफ्टिडर स्कर्ट्स, टाइड इट अप एंड दे वर रनिंग अराउंड टेकिंग वाटर गोइंग टू द रिवर ड्रिंग द वॉटर उनको पानी पिला रही थी कोई कुछ खिला रही थी कोई जख्मों पर धो रही थी उनके पानी लगा लगा के और जख्मियों को हेल्प की जा रही थी उनको उठा के एक जगह रखा जा रहा था उनको क्या चाहिए उसकी हेल्प और सारी औरतें लगी हुई थी उनमें आयशा रदी भी थी और उम सुलेम भी थी जिनको देखा ठीक है एंड आपको मैंने बता दिया कि वो विमेन नेवर टुक पार्ट इन एनी वॉर एक्सपीडिशन ठीक है दैट्स वन थिंग पार्ट इन द इन द बैटल

तो देर आर सर्टन रूल्स विच आ, लैप, लै, आ, 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 आसान कर दिए जाते हैं थोड़े नर्म कर दिए जाते हैं और जो जनरल रूलिंग है वो इस वक्त अप्लाई नहीं होती है इस वजह से एंड एनी वे इस वक्त तक तो हिजाब का रूल भी नहीं आया था वो तो सूर्य एजाब में है तो वो तो गजवा एजाब के वक्त आएगा तो अभी तो गजा है तो अभी तक वो भी रूल नहीं आया था और तो इस वक्त ये जो हालात थे इसमें औरतों को अलाउ किया था कि वो आकर अपने की कर। अब हम करते हैं उस वक्त इस बात को कंप्लीट करने के लिए कंक्लूड करने के लिए कि फिर आखिर ये जंग खत्म कैसे हुई अभी कुछ लोगों को तो पता हो गया नबी सल्लम भी जिंदा है और वहाँ वो लोग सोचते हैं नबी सुजर चुके हैं तो वो ठंडे पड़ चुके हैं ये लोग यहाँ नबीसम को उनको हेल्प uh, करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है अब ये सब हो रहा है कौन बच गया है कितने गुजर गए इट आबादी इनकी कम हो गई थी गजब मुसलमानों को जो सेट पैक हुआ था सत्तर के ऊपर इनके मारे गए थे सात सौ में से सात सौ तो लड़ने गए थे उसमें से सत्तर मारे गए थे तो टेन परसेंट ऑफ दीपल बटाए ठीक है अब हम आते हैं इस बात पर कि तो ये कंक्लूड कैसे हुई ये भी बड़े इंपॉर्टेंट बात है टू नोट अबू सुफियान चढ़ा पहाड़ के ऊपर और वहां से उसने बिकॉज ही इज वन सो ही नोज नाउ मैंने इन लोगों को यू you नो know, काट पीट के बुरे हालत में छोड़ दिया अब ये जख्मी सब अपने घर चले जाएंगे और हम हम अपने घर जा रहे हैं क्योंकि वी वॉन्ट द बैटल ठीक है तो वो आवाज लगाता है कहता है कि क्या मोहम्मद जिंदा है नबी नबीम और साहबा खड़े उमर अदी वॉन्ट टू आंसर ही होल्ड हिज हैंड्स एंड ही डोंट आंसर डोंट ही रिस्पॉन्डस्ट अगेन मोहम्मद जिंदा है ही ही सेड डोंट आंसर अगेन मोहम्मद जिंदा है सेस डोंट आंसर चुप करके सब खड़े हैं सुन रहे हैं। फिर कहता है क्या इब्नल कुहाफा जिंदा है हुज इब्नल कुहाफा कुहाफा का बेटा अबू बकर पूछ रहा है अब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जवाब मत देना फिर पूछता है क्या इब्नल खत्ताब जिंदा है क्या खत्ताब का बेटा जिंदा है उमर की बात कर रहे हैं उमर रदियल्लाहु अन्हु रसूल सलम फरमाते हैं जवाब मत देना चुप रहना तो अब तो ये सोचता है ये तीनों उमर गए यही मेन इंपॉर्टेंट लोग थे जिनसे खतरा था लगता है मोहम्मद ने जवाब नहीं दिया और किसी ने जवाब नहीं दिया कि वो जिंदा है इसका मतलब वो खत्म अबो बकर का भी जवाब नहीं आया वो भी खत्म उमर का भी जवाब नहीं आया वो भी खत्म तो अब वो बहुत प्राउड फील करता है ठीक है सो ही शाउट्स एंड नाउ ही इज वेरी प्राउडली शाउटिंग सेइंग के, uh, तो अच्छा हमने सबको मार दिया तो विक्ट्री टू हुबल हमने सबको मार दिया और हुबल जो था नाउ अगेन आईल एक्सप्लेन टू यू लात उज्जा हुबल ये इनके तीन मेजर गॉड्स थे जिनको ये वर्शिप करते थे उनमें हुबल सबसे पहला था जिससे आइडल वर्शिपिंग इनकी स्टार्ट हुई थी ठीक है तो अब ये ये उसको प्रेस कर रहा है हुबल को कि हुबल ने जिता दिया तो विक्ट्री टू हुबल के वी हैव हाँ किल्ड ऑल ऑफ देम विक्ट्री टू हुबल जब वो ये कहता है ना विक्ट्री टू हुबल और व, व, ही उमर अदियलानो के नॉट कंट्रोल बिकॉज आपको पता है उमर अदियलानो का एक तो गुस्सा था दूसरा ही कुड नॉट कंट्रोल ही कुड नॉट कंट्रोल ही स्पोक से तुम तो झूठे हो सब कुछ झूठ है हम सब जिंदा हैं, मोहम्मद भी जिंदा है अबू बकर भी जिंदा है और उमर भी जिंदा है like so, और और आगे ये भी कहा उमर रदीलाट um, और अल्लाह ने हम तीनों को प्रोटेक्ट किया है जिंदा रखा है ताकि हम तुम्हें आके जवाब दे सके एक दिन हम आएंगे इसका तुम्हें जवाब देने दैट मींस यू नो यू यू डन मैसिव नुकसान फॉर अस बट वी विल नॉट गो क्वाइट अल्लाह हैज प्रिजरव्ड अस लाने हमें जिंदा रखा है ताकि <coughs> <coughs> ताकि हम तुम इसका जवाब दे सके ठीक है और हम एक दिन आएंगे तुम इसका जवाब देने तो अबू सुफियान बहुत प्राउडली क्या कहता है आज का दिन बदर के दिन का जवाब था तुम्हारे लिए आज का दिन बदर के दिन का जवाब था तुम्हारे लिए हमने कर दिया और जंग ऐसे ही होती है कभी तुम्हारी और कभी हमारी क्यों कहा कभी मत सोचना कि तुम ही लोग जीतोगे जंग ऐसे ही होती है कभी हार और कभी जीत आज की जंग इज द रिप्लाई और इज इन रिटर्न टू व्हाट यू डिड टू अस इन बदर ये कहा उसने ठीक है और फिर ये भी कहा उसने अबू सुफियान ने कि तुम अपने आ, लोगों में लाशों में देखोगे कि कुछ लोगों को बहुत बुरी तरह से म्यूटिलेट किया गया है उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े किए गए लेकिन तुम लोग जान लो कि उसका मैंने इजाजत नहीं दी थी लाशों को म्यूटिलेट करने के लिए मैंने इजाजत नहीं दी थी क्योंकि उस तक हमजा की खबर पहुंच चुकी थी ऑल उसकी बीवी जाकर उसका कलाजा चबा के आई थी तो क्या अबू सुफियान को नहीं पता था उसकी बीवी क्या काम करके आई है ठीक है तो उसको पता था उसने वैशी से क्या वैशी ने क्या किया फिर उसको पता था कि उसकी बीवी ने क्या किया तो वो जानता था कि किस बुरी हालत में छोड़े गए कुछ कुछ और फिर मुसाब बिन उमेर को भी तो पूरा म्यूटिलेट किया हुआ था ना तो अब वो कह रहे हैं कि मुझे पता है कि कुछ लाशें तो में बहुत म्यूटिलेटेड मिलेंगी लेकिन उसका कमांड मैंने नहीं दिया था बिकॉज ही वॉज द कमांडर ऑन द साइड बट ही सेट ना मैंने उसका कमांड दिया था और ना मैं उसके लिए अपोलोजाइज करूंगा अबाउट so इट जो हुआ सो हुआ दिस इज जंग ठीक है सो ही पुट इड दैट वे सो उमर said, इट्स नॉट द सेम इट्स नॉट द सेम बिटवीन यू and us. हमारे जो गए अगर तुम कहते हो बदर के बदले आज तुमने हमसे रिवेंज दिया वो बराबर हो गया तो इट्स नॉट बराबर बिटवीन यू एंड अस उमर के नॉट रेजिस्ट टू रिप्लाई है सेड हमारे जो गए वो जन्नत में जाएंगे वो शोहदा हैं और तुम्हारे जो गए वो जहनो में जाएंगे वो जलेंगे सो वी कैन नॉट बी द सेम सो योर रिटर्न इज नॉट द सेम आ पीपल विल गो टू पेराडाइज इवन इफ म्यूचुलेटेड बट नॉट योर्स सो ही सेड दैट सो अगेन अबू सेज ओके एंड ही सेड ओ विक्ट्री टू हु जब उसने ये कहा तो नबी सल्लम ने जवाब दिया और कहा अल्लाह आला अब तक नबी सल्लम ने जवाब नहीं दिया था खामोश थे और उन्होंने कहा भी था कोई जवाब देने की जरूरत नहीं और क्यों कहा था उन्होंने सोचा हम क्या कहते हैं भोगते कुत्ते को आप भोगना शुरू कर दोगे नहीं ना यू हैव योर ओन डिग्निटी इन रिस्पेक्ट आप किसको जवाब देना चाहते हो उसको ऑनर कर रहे हो जवाब देकर तो ही इज नॉट इवन काबिल वो इस काबिल भी नहीं है कि आप उसकी नेगेटिव बात का भी जवाब दे दो मुंह नहीं लगो वो कचरा आदमी है छोड़ दो उसको तो नबीसा सरम ने उसके मुंह नहीं लगना चाहते थे लेकिन जब उसने वो कब नहीं लगना चाहते थे जब उसने नबीसा सरम को कहा कि वो मर गया अबू बकर मर गया उमर मर गया उन्होंने कहा कहने दो वो मुझे कुछ कह रहा है आप लोगों को कह रहा है कहने दो लेकिन जब उसने बल की प्रेज की तो वो अल्लाह से टकराई तो उन्होंने फिर अपने रब की प्रेज की और उन्होंने कहा अल्लाह आला वाजल सिर्फ अल्लाह है जो सबसे आला और अजल है उस पर फौरन अबू सुफियान जवाब देता है उज्जा वाला उज्जाला हमारे पास तो उज्जा है लात उज्जा हु तुम्हारे पास तो उज्जा तो नहीं है मतलब हम हमारे पास तो वर्शिप करने के लिए हमारा गॉड है तुम्हारे पास तो नहीं है उसको नबी वसल्लम ने जवाब देके पहले तो कहा अजीब जैसे स्ट्रेंज और फिर उसका जवाब दिया और कहा अल्लाह मौलाना व मौलाना लकुम अल्लाह हमारा मौलाना है हमारी मदद करने वाला हमें रिवॉर्ड देने वाला पर तुम्हारे पास वो मौलाना नहीं है तुम्हारे पास कोई नहीं है तुमको रिवॉर्ड देने वाला जाओ अपने लात उजा से बोलो हुबल से बोलो तुम्हें रिवॉर्ड करे क्या रिवॉर्ड तुम्हें मिलेगा हमें तो पता है हमारा रिवॉर्ड हमें तो मिलके रहेगा तो अल्लाह मौलाना वाला मौलाना लगो। पर तुम्हारे पास वो मौलाना नहीं है सो so, अबू सुफियान सेड ठीक है तुम लोग जिंदा हो ठीक है इधर ही बदर के मकाम पे या यहीं पर मतलब मदीने के बाहर इधर ही एक साल बाद मैं तुमसे फिर मिलूंगा क्योंकि यू आर स्टिल अलाइव सो वी आर नॉट डन येट वी आर गोइंग नाउ बट वी आर गोइंग टू कम बैक आफ्टर वन ईयर एक साल बाद यहीं पर इसी मकाम पर हमारी तुमसे फिर मुलाकात होगी और फिर हम देखेंगे और ये कहकर चला गया एंड द वर्ड

Let me close the class and then I'll make the announcement then you can go inshallah. So akhiru da'wam anilhamdulillah rabbil alamin. subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika na shadwan la ilaha ila anta nastaghfiruka wa natubu ilayka taqabbal minna innaka anta samyun alim wa tub alayna innaka anta tawabur raheem bi rahmatika ya rahman rahmeen bi rahmatika ya rahman rahmeen bi rahmatika ya rahman rahmeen wa sallallahu ta'ala ila khairi qalqayim muhammadin wa la alihi wa mubarak wa salam प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिए इन इन दुरूस को अपने लोगों में और uh, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें अपने लोगों से कहें कि सब्सक्राइब करें और रिव्यू करें इसको जो सुनते हैं अगर आपको मेरे लेक्चर से फ़ायदा होता है तो कम से कम कमेंट करें यूट्यूब पर बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट गिव्स मी एडवांटेज ऑफ गेटिंग मोर आवर्स विद द यूट्यूब पीपल टू डू माई टॉक इनशालाके